हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया की सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक जॉब लेके आए हैं जो निकल रहा है एनएफसी से। यदि आप 10वीं पास हैं और एनएफसी में जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स वाइज बताएंगे कि कैसे आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे आपका इसमें फिजिकल लिया जाएगा, कितनी दौड़ होगी। संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो है शारीरिक मानक जो क्या रखा गया है, शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट किस प्रकार होगा, वो हम आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताई गई है आपकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो ऊंचाई 165 सेंटीमीटर आपकी यहाँ रखी गई है, 1.65 यहाँ 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस भर्ती प्रक्रिया में एक विशेष सूचना दी गई है कि विकलांग के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, विकलांग के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी जो है वैकेंसी नहीं है, इसमें केवल स्वस्थ व्यक्ति ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन ऊंचाई की बात करें 165 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में वजन की बात करें तो 50 किलो आपका वजन होना चाहिए, किग्रा इसमें वजन बताया गया है, न्यूनतम बताया गया है। इसके बाद शीना आपका कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ये भी जो है सामान्य सामान्य होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। और इसके बाद में शीना जो है फुलाने पर आपका होना चाहिए 86, यानी कि 86 इसमें सेंटीमीटर यदि आपका शीना है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 4-5 इसमें बताई गई है। इसके बाद में दृष्टि आपकी बताई गई है कि आपको आपकी जो आंखें हैं 6x6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। यहाँ देख सकते हो किसी भी प्रकार के चश्मे या अन्य सहायता के बिना आपकी 6x6 होनी चाहिए। रतौंधी एंड कलर रीजन, रतौंधी जो है और वर्ण आधनता है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि कलर विजन नहीं होना चाहिए आंखों में और ब्लड लाइंस नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये नॉर्मली सा आपका इसमें जो है हार्ड फिजिकल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ आरबी की तरह आपका इसमें फिजिकल होगा। इसके बाद बात करेंगे दौड़ की, तो इसमें आपका जो है दौड़ कितना होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं तो आपको सर्वप्रथम 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, या आप इसको शूट बोल सकते हैं। आपको इसमें जो है टाइम दिया जाएगा, जैसे कि आप बात करें इसमें उम्र के हिसाब से टाइम बताया गया है। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष है तो आपको 25 सेकंड दी जाएगी, और यदि आपकी उम्र 40 से 45 वर्ष है तो आपको 28 सेकंड दिए जाएंगे, और 45 से 50 के बीच है तो 30 सेकंड आपको यहाँ समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में उपकरण की लंबाई के हो जिनमें प्रत्येक 15 मीटर लंबा और को बिछाने में सक्षम हो, यानी कि आपको यहाँ एक जो है और भी ट्रेड टेस्ट आप लिया जाएगा। उपकरण से लंबाई के होज जिनमें प्रत्येक 15 मीटर पर लंबा हो को बिछाने में सक्षम हो, आपको समय दिया जाएगा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसके बाद में 10 मीटर लंबी सीढ़ी पर 2 बार ऊपर चढ़ना और 2 बार उतरना है, 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट का 40 वर्ष और जो है 45 वर्ष के बीच के जो युवा है उनको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ अलग जो है टाइम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आप लोगों को 4 मिनट। इसके बाद इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि लगभग अपने स्वयं के वजन के बराबर व्यक्ति को फायरमैन की लिफ्ट विधि द्वारा 25 मीटर तक उठाकर ले जाना है। तो इसमें बताया गया है यदि आपका वजन 50 kg है तो क्या करना है, आपको 50 kg व्यक्ति को उठाकर 25 मीटर आपको जाना है। तो मतलब यहाँ भाई आपको बहुत ही हार्ड मापदंड देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपका फिजिकल लिया जाएगा बहुत ही हार्ड है, यानी कि दौड़ कितनी है, फिजिकल क्या बहुत ही हार्ड होने वाला है। यदि आप इस प्रकार की जो है कंप्लीट कर पाएंगे जो ट्रेड टेस्ट हैं आपको यहाँ बताई गई है दौड़, वो तो ही इसमें फॉर्म अप्लाई करें। लगभग पुशअप करने में सक्षम हो, ठीक है, कितनी पुशअप करनी है आपको, 20, 15, 12। इसके बाद में मेन दौड़ आएगी आपकी 1.6 किलोमीटर की, 1.6 किलोमीटर की आपकी एक मेन दौड़ आएगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी है, जो समय दिया जाएगा 10 मिनट, 12 मिनट और 14 मिनट। अलग अलग आपको मिनट दी जा रही है। अलग अलग की बात करें तो कैसे कैसे दी जाएगी, 18 से लेकर 40 वर्ष के कैंडिडेट्स को यहाँ 10 मिनट दी जाएगी, 40 से 45 वर्ष स्टूडेंट को 12 मिनट, और 45 से लेकर 50 वर्ष के कैंडिडेट्स को 14 मिनट इसमें दी जाएगी। पाइप एम रस्सी पर सीधी चढ़ाई होगी, नॉर्मली आपको 3 मीटर है और जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लागू नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ इसमें आवेदन शुल्क आपका कितना रखा गया है। तो मित्रों इसमें जो आपका आवेदन शुल्क है, जैसे कि बात करें हमारी वैकेंसी थी ड्राइवर सब कम ऑपरेटर एवं फायरमैन एक ही, तो आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। सब अधिकारी के लिए आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, स्टेशन अधिकारी के लिए आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, वैज्ञानिक मेडिकल सी जनरल ड्यूटी के लिए आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट और कुछ यहाँ अपडेट हम आपको दिखा देते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में यदि निकल के आता है तो, और इसकी जॉब लोकेशन भी हम आप लोगों को बता देंगे।
तो ये फॉर्म जो है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं, हम आपको नोटिफिकेशन कब जारी हुआ वो दिखा देते हैं डिटेल्स, और कौन सी इसमें योग्यता रखी गई है। तो वैकेंसीज आपको जो निकल मिल रही है, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग नाभि के ईंधन 9 वैकेंसी आपको मिल रही है। इसमें अलग अलग वैकेंसी मित्रों आपको बताई गई है, जैसे कि इसमें आप वैज्ञानिक अधिकारी सी की वैकेंसी है, इसके बाद में स्टेशन अधिकारी ए की वैकेंसी है, जिसमें आपने यदि आपने एसएससी या समतुल्य वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि फायर में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल साइज में आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि आपने 10th पास कर रखी है, 10th पास के साथ साथ यदि आपने आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपके पास होना चाहिए इसका अग्निशमक विभाग का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी सब अधिकारी की मिल रही है, जिसमें भी ये बताया गया है कि आप कम से कम 10वीं पास हो तथा साथ ही आपके पास इसमें अग्निशमक विभाग में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी जो थी हमारी ड्राइवर कम ऑपरेटर फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो 18 से लेकर 27 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग आपको इसमें एज क्राइटेरिया समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि आपने 10वीं 12वीं में 50% अंकों के साथ पास की है तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। और अपडेट यदि आप पाना चाहते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है, सिलेबस आपको यहाँ बताया गया है, वेतन आपको बताया गया है, और यदि आयु सीमा आपको बताई गई है। आयु सीमा की गणना जो की जाएगी वो की जाएगी 13/12/2019 से आयु की गणना की जाएगी। यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और उसके बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nfc.government.in पे जाके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।